प्यारे बच्चों, NTSC और NMMS एग्जाम के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर का हमारा मुख्य टॉपिक है विजातीय पद का चयन या वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में हम क्लासिफिकेशन के नाम से पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में जनरली 1 से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक बहुत ही आसान चैप्टर है। और एक आसान चैप्टर होने के साथ साथ जो है, अगर हम देखें कि कई बार जो है इस चैप्टर में से कुछ ज़्यादा अंकों के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सन 2018 में वेस्ट बंगाल NTSC में 10 अंक के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे गए। इसी तरह से कर्नाटका में 11 अंक के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। महाराष्ट्र में भी 5 क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर में से सन 2018 में आए हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर भी हो सकता है, आपको काफ़ी अंक दिलवा सकता है। आइए सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो इस उदाहरण को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हुए हैं, मूली, गाजर, पेठा, आलू। इन चारों शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी तरह से एक जैसे हैं, लेकिन एक इन बाकी 3 जैसा नहीं है, यानी एक इनमें से अलग है, विजातीय है। आपको वो एक अलग छांटना है। और वैसे तो अगर देखें तो चारों शब्द ही अलग अलग हैं, और वैसे देखें तो मूली, गाजर, पेठा, आलू चारों ही सब्जियां हैं, चारों ही एक समूह में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी 3 इनमें से एक जैसे हैं और एक अलग है। उस अलग को आपने छांटना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मूली, गाजर और आलू ये तीनों ही जमीन के नीचे पैदा होते हैं, इनका पौधा ऊपर होता है और ये तीनों ही जमीन से नीचे लगते हैं, जबकि पेठा जो है इसकी बेल जो है इस तरह से धरती से ऊपर होती है और इसका फ्रूट भी जो है ऊपर ही होता है। तो ये जमीन के नीचे लगते हैं तीनों, कौन कौन? मूली, गाजर और आलू। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पर पेठा अलग हो गया है। ठीक, और अब देखिए कि अगला जो उदाहरण है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहाँ पर, कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 वही है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से कि मूली, गाजर और आलू तो वही है, यहाँ पर मैंने सलगम कर दिया। अब देखिए इन चारों में से अलग कौन हो गया। तो अगर अब देखें तो मूली, गाजर, सलगम, आलू चारों के चारों ही धरती से नीचे हैं और चारों के चारों ही सब्जियां हैं, तो फिर अलग कौन हो गया? तो अब देखिए कि यहाँ पर ये जो 3 है, मूली, गाजर और सलगम, ये तीनों की तीनों क्या है? जड़ है। ठीक, और आलू जड़ नहीं है, ये आलू तना होता है। ठीक, इसलिए आलू यहाँ पर अलग है। जड़ की खास बात क्या होती है कि जड़ के अंदर से इस तरह से जो है छोटे छोटे रोए से, यानी छोटे छोटे बाल से निकलते हैं, यानी बिल्कुल छोटे छोटे रेशे होते हैं, जबकि तने में से सीधा पत्ता निकलता है। आपने फ्रिज में रखे हुए आलू जो उगे हुए देखे होंगे, तो उसमें सीधा वो पत्ता निकलता है, तो तने की निशानी होती है। तो चलो मैं इस बारे में डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको विजातीय छांटना सिखा रहा हूँ। अब आज इन एग्जाम्पल्स में देखिए कि आपको हर एक एग्जाम्पल में जो है आपको क्या दिए हुए हैं, 4 अक्षर दिए हुए हैं या 4 वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको जो है मैंने नाम दिया है वस्तुओं के नाम या शब्दों पर आधारित क्वेश्चन। तो अब देखिए कि इसी की तरह से जो है आपको आगे क्या मिल सकता है, कि इस तरह जो इस उदाहरण में देखिए कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ वर्ण या कुछ अक्षर मिल सकते हैं। इनमें से देखिए कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 4 आपको अक्षर दिए हुए हैं, तो इनमें से 3 अक्षर जो है वो किसी न किसी तरह से एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और एक अक्षर ऐसा है इनमें से, चाहे वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, कोई भी एक अक्षर हो सकता है जो उस ग्रुप में, उस समूह के अंदर शामिल नहीं है। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा करके लिखता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने थोड़ा समझने के लिए इन 4 ऑप्शन को बढ़ा करके लिख दिया है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से एक समूह में शामिल है। इसके लिए जो है बेस्ट तरीका क्या है कि इनकी पोजीशन इनके ऊपर लिख लीजिए, कि एफ जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से पोजीशन पे आता है, जैसे ए पहली पोजीशन पे, बी दूसरी पे, सी तीसरी पे, इसी तरह से एफ जो है छठी पोजीशन पे आता है।
कि वो 17वें पोजीशन पे आता है, आई 9वें पोजीशन पे आता है। इनकी पोजीशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में याद करने सिखाई दी थी कि आपको क्या करना है कि एक वर्ड याद रखना है, ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति। ई 5वें नंबर पे, जे 10वें पे, ओ 15वें नंबर पे, टी 20वें पे और वाई 25वें पे है। इसी तरह से कुछ अंग्रेजी के वर्ण ऐसे हैं जिनकी शकल जो है वो अक्षरों में मिलती है, जैसे एच की शकल 8वें मिलती है, ठीक। आई को अगर आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हो तो आई ऐसे लिखते हैं कर्सिव राइटिंग में, तो ये 9 में मिल जाती है, ठीक। इसी तरह से जो है हम बात करें एम और डब्ल्यू की, तो इनकी शक्ल 3 में मिलती है, 3, ठीक। एम 13 पे हो गया, डब्ल्यू 23 पे हो गया, ठीक। इसी तरह से एफ की अगर हम बात करें तो एफ जो है उसकी शक्ल 6 में मिलती है, देखिए, ठीक। तो एफ 6 नंबर पे हो गया। तो इस तरह से 26 सारे अक्षर हैं, तो उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं इनकी पोजीशन को। जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 आपको याद ही होता है, एक्स वाई जेड 24 32 26 ये याद ही होता है, बीच में से कुछ आपने इस तरह से याद कर लेने हैं तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसका याद करने का बेस्ट मेथड यही है कि जब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करो इसके ऊपर लिख लो, ठीक। आपको अलग से ए बी सी नहीं लिखनी, आपको खुद अपने दिमाग से यहाँ पर लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ एच 8 पे है, एस 19 पे है, के 11 पे है, फिर के 11 पे, यू 21 पे, ओ 15 पे, 5 16 और 8। जब आप 5 7 क्वेश्चन ऐसे वाले करोगे ना, पोजिशन तो आपको आसानी से याद हो ही जाएगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि इन चारों अक्षरों में से कौन से 3 एक समूह में है। इसके लिए आप यहाँ पर इनका डिफरेंस देख ले, मोस्टली इसमें हो जाता है। तो 6 प्लस 11 17 और 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 9 हो गया, और 8 प्लस 11 19 और 19 माइनस 8 11, इधर 11 प्लस 10 21 और 21 माइनस 6 15, और इधर 5 प्लस 11 16 और 16 माइनस 8 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि +11 -8 +11 -8 +11 -8। तो यहाँ से लेकिन ये वाला KUO +10 -6 है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये वाला जो इन सब में से अलग है और आपको एक अलग ही छांटना था। तो KUO जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए इससे अगले टाइप में जो है आपको चार ऑप्शन के रूप में कुछ संख्याएं दी होगी। क्या दी होगी? कुछ संख्याएं दे रखी होगी, तो उन संख्याओं में से 3 संख्याएं जो किसी न किसी रूप में एक जैसी हैं, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो उस ग्रुप में शामिल नहीं है, उन जैसी नहीं है। तो ये मैंने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया है कि जैसे 11 9 7 और 13, तो इसमें से 11 7 और 13 ये तीनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 9 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 विभाजक हों, केवल 2 क्या हो? विभाजक हो, ठीक। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक। इसी तरह से हम चलेंगे तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब संख्या 1 की अगर हम बात करें ना, तो 1 का ध्यान रखना कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 विभाजक होने चाहिए, लेकिन इसका तो 1 ही विभाजक है, इसलिए अभाज्य भी नहीं है। और भाज्य संख्या के 2 से अधिक विभाजक होने चाहिए, इसलिए भाज्य भी नहीं है।
एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, इसको याद रखना है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक, और ये सम अभाज्य संख्या भी है। तो फिलहाल मैं आपको अभाज्य अभाज्य के बारे में डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान किस पे देना है, विजातीय छांटने पर, यानी वर्गीकरण वाले क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें भी आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको यह बता दिया है। अब हम बात करते हैं चौथी टाइप की। इस टाइप में क्या होता है कि आपको चार आकृतियां दे रखी होती है, ठीक, और हर एक आकृति को 1, 2, 3, 4 या ABCD ऑप्शन दिया होता है। इनमें से तीन आकृतियां जो है किसी न किसी रूप में एक जैसी है, एक समूह या एक ग्रुप बनाती है, लेकिन एक उनमें से अलग है। तो ये मैंने एक आसान सा एग्जाम्पल लिया है, तो आप इसको देख के समझ ही गए होंगे कि इनमें से कौन सी आकृति अलग है। इनमें से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वृत्त के अंदर त्रिभुज दोनों अलग अलग आकृतियां हैं, यहाँ वर्ग के अंदर पंचभुज है तो ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर त्रिभुज में वर्ग है तो ये दोनों भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ वृत्त के अंदर वृत्त है, ये दोनों एक जैसी आकृतियां हैं। ठीक, तो इस हिसाब से यही ऑप्शन जो है वो इन सभी से अलग है। ठीक, अब देखिए कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है, मोबाइल ऐप है, उस पे आपको इस तरह से प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, आप यहाँ से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये PDF भी डाउनलोड वहाँ से हो जाएगी। अगर किसी मोबाइल में ऐसे डाउनलोड ना हो ना, तो उस लिंक के ऊपर थोड़ा सा उंगली को प्रेस कर रखें, उसके बाद जो है ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड लिंक कर लेना, फिर अपने फ़ोन के डाउनलोड्स में जाना, वहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो अब इसी असाइनमेंट के मैं 2-4 क्वेश्चन और आपको डिस्कस करवा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मार्च मई फरवरी दिसंबर, इसमें से मार्च में देखिए कि 31 दिन होते हैं, मई में भी 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो कौन सा अलग हो गया? फरवरी अलग हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन दिया हुआ है हिरण, लोमड़ी, घोड़ा, गिद्धड़। इसमें से हिरण, लोमड़ी और गिद्धड़ ये तीन तो जंगली जानवर, और घोड़ा क्या है? एक पालतू पशु है। ठीक, तो ये ऑप्शन अलग हो गया। ठीक, अब जैसे ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है, यहाँ पर 27, 64, 125 और 144, ये चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा अलग है? अगर 27 को हम देखें तो ये 3 का घन है। क्या है? 3 का घन, मीन्स की 3 3 9 3 27 होता है, और ये है इसी तरह से 4 का घन, 4 चौके 16 चौके 64, और ये है 5 का घन। ठीक, अब 144 जो है वो किसी भी संख्या का घन नहीं है, ये वर्ग संख्या है, 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12 144 होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन जो अलग हो जाता है, और संख्याओं का वर्ग और घन ये जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे और आपको लिखवाए भी थे लेक्चर में, तो जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आपने वर्ग और घन जरूर याद करनी है, इन आगे वाले चैप्टर्स में भी आपको काम देंगे। और अब देखिए मैं आगे एक और क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ आपको कि दूध, पनीर, घी, मक्खन, तो इनमें से अलग कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो पनीर किससे बनता है? दूध से। घी किससे बनता है? दूध से। मक्खन किससे बनता है? दूध से। तो ये सारे दूध के प्रोडक्ट हैं तीनों, और ये खुद दूध है। ठीक, तो यहाँ पर दूध सबसे अलग हो गया है। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मोबाइल ऐप से PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर